कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर, क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था, ये सिर्फ जेल। जेल तो मैं समझ सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊं। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। तो मैं ही आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे, इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता कोई भी होता वापस चला जाता, उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होते कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जब जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये मैं ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो से ले गए, बाद चलेगा कि खाली गाड़ियां। 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है, पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें ये नामालूम अफराद हैं और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेंस में है। और ये देखें